आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जो आप और मेरे से जुड़ा हुआ है, वो है हम और हमारा जगत। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों, इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। क्या आपने सोचा कि हम कौन हैं, इस सृष्टि में जीने वाले हम कौन हैं, और ये सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। देखिए, हमारा एक परिवार होता है, एक परिवार में माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, भाभी होती है, और दादा होते हैं, दादी होते हैं। इस तरीके से पूरा परिवार बनता है, उसको हम बोलते हैं। तो हम सृष्टि की बात करें तो सृष्टि में हम कौन हुए हैं। ये सारी सृष्टि के अंदर दो तरह की सृष्टि, दो तरह के पदार्थों से बनी होती है, एक तो जड़ से है और एक चेतन से है। जड़ किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और जो गलन मिलन धर्मा होता है वो जड़ कहलाता है। जड़ में अनुभूति नहीं होती, जड़ के अंदर सुख दुख की कोई बात नहीं होती, जड़ कोई फीलिंग नहीं करता, जड़ में चेतना नहीं होती। उसका सबसे जो छोटा छोटा अंग होता है, छोटा जो टुकड़ा होता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु अपने आप में शाश्वत है, परमाणु अपने आप में शुद्ध है, और वो परमाणु वह कहलाता है जो कि उसके न तो और टुकड़े होते हैं, और न इंडिविजुअल है, और न विजिबल है, वो आँखों से दिखाई नहीं देता है। और वह शुद्ध परमाणु जो है वो किसी भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा दिखाई नहीं देता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिल जाता है तो वह द्वि परमाणु होता है, फिर तीन से त्रि परमाणु, चार से चतुर परमाणु, फिर अणु बनता है और वो उसकी अशुद्धि प्रारंभ हो जाती है। अणु बनते बनते ये सृष्टि हमारे सामने नजर आती है कि हमारे जो मकान है, कार है, गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, सड़कें हैं, और हमारी ये सारी ट्रेन है, जो सारा जितना भी दिखाई देता है ये सारा जड़ तत्व है, और ये भी उपयोगी है, ये भी हमारे कॉस्मोस को बनाता है, सृष्टि को बनाती है, हमारे साधन हैं। लेकिन हम कौन हैं, हम अनुभूति वाले हैं, हम जो है आत्मा वाले हैं, हम चेतना वाले हैं। चेतना किसको कहते हैं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। आत्मा में सुख दुख की अनुभूति होती है, आत्मा प्रजनन करती है, आत्मा में ग्रोथ होती है, और आत्मा में फीलिंग होती है। 9 करेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में जाना है, वो भी उन्होंने बहुत से प्रयोग किए ग्रोथ का। उन्होंने खड्डे खोद करके पृथ्वी की ग्रोथ को देखा कि उसके अंदर जो जीव है उसमें आत्मा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में इन जीवित प्राणियों को 84 लाख जीवा योनिया स्पाइसेस, जो उनको उत्पत्ति स्थान के रूप के अंदर माना है, कि 84 लाख जीवा योनि में ये असंख्य आत्माओं की संख्या तो असंख्य है, लेकिन आत्मा जो है 84 लाख जीवा योनि और 4 गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के कारण अपने अपने कॉजेज, अपने अपने डीड्स से, अपने अपने राग द्वेष, अपने अपने कषाय के कारण वो घूमती रहती है। नए नए जो है वो आयुष्य कर्म जब समाप्त होता है तो नया जो है वो आयुष्य नया जन्म ग्रहण करती है और घूमती रहती है। तो ये सारा जो चराचर जगत है, ये सारा हमारा जगत है, जिसमें जड़ भी है और चेतन भी है, और उसके अंदर हम निवास करते हैं। हमको जन्म देने वाली पृथ्वी माँ है, ये सबको जन्म देती वसुधा है, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि हम जो है वो 7 अरब की जनसंख्या वाले मानव सब हम एक पिता एक माता की संतान है। वसुधा हमारी माता है, माता वसुदेव जो है वो हमारे पिता है, हम उनकी संतान है, हम भाई भाई है। जैसे भाई भाई परिवार में हिलमिल करके प्रेम से रहते हैं, त्याग से रहते हैं, सहनशीलता से रहते हैं, वैसे ही हमको रहना। उसका नाम वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, और आज नाउ ए डेज द साइंस हैज मेड दिस वसुधैव कुटुंबकम एज द ग्लोबलाइजेशन। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। दिस इज डन ऑल बाय द साइंस, बाय द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस वी हैव रीच्ड, एंड आवर होल दिस अर्थ हैज बिकम लाइक ए विलेज। सो इस तरीके से हम बहुत करीब आ गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम में हमारी पूर्व जो हमारे ऋषि महर्षियों की जो व्यवस्था थी वो हमको साथ जोड़े रखती थी, और विज्ञान भी जोड़े रखते हैं। इसीलिए अध्यात्म और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है,
एक दूसरे के जो है सहयोगी है, एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। तो इसीलिए हम किसी को नकार नहीं सकते। विदाउट दी साइंस द रिलीजन इज लेम एंड विदाउट द रिलीजन द साइंस इज ब्लाइंड। ये अंधे और गूंगे अगर दोनों, जब अंधा और जो है लंगड़ा मिलते हैं, तभी वो जाकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों जब मिलते हैं, तब जाकर के जो है हमारा जीवन चलता है। तो हम सृष्टि की बात कर रहे थे कि सृष्टि जो है ये सारी पांच भूतों से बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन पांच भूतों से हमारी नेचर माँ सबका जीवन दान देती है, सबको जन्म देती है, और पांच भूतों से जो है इन सब का पोषण करती है। और प्राणी मात्र, चाहे मनुष्य हो चाहे 84 लाख जीव योनि का कोई भी प्राणी हो, जो इस सृष्टि का, इस जगत का भाग है, वो जो है पांच भूत का जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो ये पांच भूत यहीं छोड़ करके और वह दूसरा जन्म धारण करता है, फिर उसको पांच भूत मिलते हैं। तो पांच भूत बेसिक हैं जो पूरी सृष्टि में मौजूद है, और ये जो है इनका जो है रूपांतरण होता रहता है, गड़बड़ होती रहती है, लेकिन विनाश कभी नहीं होता। हर युग के अंदर एक समान रहते हैं।